Hey class 10, so in the last video we were reading about types of respiration, aerobic and anaerobic. Okay, so today we'll read about respiration in plants. Respiration in plants. So though it be animals or plants, they require oxygen for respiration, because food materials can only be broken down by oxygen if we are going through aerobic respiration, and mainly the plants, they perform aerobic respiration. Clear? Means the same, the means in the case of plants also, respiratory gases are oxygen and carbon dioxide. Clear? So how do plants get oxygen? By the process of what I could say, diffusion. Okay, so plants, they get oxygen by the process of diffusion, okay, through various parts, and this respiration takes place in many parts of a plant, like in roots also, like in stems, leaves also. Clear? So let's first go to roots. How respiration takes place in roots? Okay, we know that plants, the roots of plants, they are attached with the soil, and soil contains air. Yes, means oxygen. Though oxygen is a, as oxygen is the component of air. So we know, we can see here in the diagram that the roots contain some amount of root hairs. What are root hairs? The epidermal cell of the roots, they contain some extensions or thread-like structures. They are called as root hairs. Clear? Epidermal cells, याद है क्लास में पढ़े थे तुम लोग. Clear? Means it is the uppermost layer of the plant's body. Clear? So the epidermal cells in the plants, or the roots of the plants, they contain some thread-like structure. They are called as root hairs. And soil contains air molecules, means oxygen. So from the soil, the root hairs will टेक द ऑक्सीजन. क्लियर? सॉइल से ऑक्सीजन कौन लेता है? रूट्स का रूट हेयर लेता है. क्लियर? रूट हेयर सॉइल के अंदर एडजॉइन होता है, वो सॉइल से सारा ऑक्सीजन लेगा बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, याद रहे, चाहे वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो, वो ऑक्सीजन रिसीव करता है डिफ्यूजन के थ्रू. रिमेंबर, द रूट हेयर बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन टेक्स इन ऑक्सीजन, परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये कहां से देगा? द सेम रूट हेयर्स. रूट हेयर्स के थ्रू ही ये बाहर निकाल देगा. क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर? समझ में आया? द रूट हेयर्स ऑफ द रूट, दे विल टेक द ऑक्सीजन इन बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन एज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द सेल्स, दे आर डिफ्यूज आउट थ्रू द रूट हेयर्स इटसेल्फ. क्लियर? गॉट द पॉइंट? ओके, द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. रिमेंबर वन मोर थिंग, देर आर सम लैंड प्लांट्स. ओके, एंड द मीन्स ऑल द लैंड प्लांट्स, इफ सपोज यू आर इरिगेटिंग इट लॉट, और इफ दे सफर फ्रॉम वाटर लॉगिंग. ओके, इफ सपोज दे सफर फ्रॉम वाटर लॉगिंग. वॉट इज वाटर लॉगिंग? पानी का जमा हो जाना. मीन्स अ कंडीशन इन विच द सॉइल हैज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर. ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस? वी नो द सॉइल इज पोरस. सॉइल में पोर्स होता है, उन पोर्स में एयर होता है. लेकिन अगर ज्यादा पानी जमा हो जाएगा तो ये एयर बाहर चला जाएगा. द एयर विल एक्सपेल आउट. रिमेंबर, सो वाटर लॉगिंग इज अ कंडीशन वेयर द सॉइल पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर एंड ऑल द एयर. ओके, इट इज एक्सपेल्ड आउट. क्लियर? सो व्हेन लैंड प्लांट्स अंडरगो वाटर लॉगिंग, द एयर गेट्स एक्सपेल्ड आउट, एंड ड्यू टू दिस द प्लांट डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? वाटर लॉगिंग होगा तो पानी भर जाएगा, तो गैस बाहर, सारा एयर बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से कि प्लांट्स को सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा रूट हेयर्स के थ्रू, जो
डिफ्यूजन के हेल्प से वो रेस्पिरेशन करते थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वो परफॉर्म करेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके वजह से प्रोड्यूस होगा अल्कोहल. क्लियर? एंड दिस अल्कोहल मे किल द प्लांट. क्लियर? ये सिर्फ लैंड प्लांट्स के लिए है, एक्वाटिक प्लांट्स के लिए नहीं. क्लियर? ये लैंड प्लांट का कंडीशन बता रहा हूं, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट्स का तो एडेप्टेशन अलग होता है, क्योंकि पानी में रहते हैं, दे आर हैबिचुएटेड विथ इट. क्लियर? समझ में आया? डन. नाउ विल गो टू स्टेम्स. हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर थ्रू स्टेम्स? लिसन, स्टेम्स आर ऑफ टू टाइप्स. आई कैन डिवाइड देम इनटू टू टाइप्स. वन इज हर्बासियस स्टेम, द अदर वन इज वुडी स्टेम. ओके, सॉफ्ट स्टेम जैसे कि तुम लोग कोरिएंडर में देखे होंगे, स्टेम बहुत ही हरा सा होता है, सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है. क्लियर? और बनियन प्लांट में देखोगे तो वहां हो जाएगा वुडी स्टेम. पीपल प्लांट, पीपल ट्री. ओके, बनियन ट्री, पीपल ट्री में देखोगे वुडी प्लांट, सॉरी वुडी स्टेम रहेगा. क्लियर? सो हर्बासिया स्टेम में क्या होता है? स्टोमाटा होता है. यू नो स्टोमाटा? स्टोमाटा आर द लिटिल ओपनिंग दैट व्हाट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वुडी स्टेम में क्या होता है? वुडी स्टेम में ऐसा ही एक पैसेज होता है, उसको हम बोलते हैं लेंटिकल्स. ओके, लेंटिकल्स. लेंटिकल्स एग्जैक्टली क्या है? इट इज ए स्मॉल एरिया इन द बार्क वेर द वॉट इन द स्टेम ऑफ द प्लांट. स्टेम का बार्क है, वहां पे एक छोटा सा हिस्सा है लेंटिकल, जहां पे ये सेल्स ना लूजली पैक है, तो वहां स्पेस बनता है. द सेल्स आर लूजली पैक, सो स्पेस इज मेड, एंड ड्यू टू द स्पेस द गैस कैन बी एक्सचेंज. स्पेस के थ्रू सारा गैसेस एक्सचेंज हो सकता है. क्लियर? सो लेंटिकल्स आर द स्मॉल एरिया ऑफ बार्क इन अ वुडी स्टेम वेयर सेल्स आर लूजली पैक्ड. क्लियर? लेंटिकल्स कहां मिलेगा तुमको? स्टेम के बार्क का एक एरिया है, ये वही में मिलेगा. समझ में आया? खासियत क्या है? यहाँ का सेल्स लूजली पैक है, जिसकी वजह से कि एक स्पेस बनता है, जहां से कि गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है. सिंपल सा फॉर्मूला है, थ्रू स्टेमाटा, स्टोमाटा और थ्रू लेंटिकल्स. ओके, चाहे वो स्टेम उड़ी हो या हर्बासियस, इन दोनों के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होगा, रेस्पिरेशन होगा. जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उनमें वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं लेंटिकल्स या स्टोमाटा के थ्रू बाहर डिफ्यूज आउट होगा. समझ में आया? सिंपल प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है. डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आएगा, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर जाएगा. अगर वो वुडी स्टेम है तो वो लेंटिकल्स के थ्रू होगा डिफ्यूजन, और अगर हर्बासियस स्टेम से तो स्टोमाटा के थ्रू होगा. क्लियर? नाउ लेट्स नो अबाउट हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लीव्स. ओके, सिंपल सा बात है, लीव्स ऑफ स्टोमाटा. ओके, दे रेस्पायर थ्रू स्टोमाटा. स्टोमाटा के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन में ऑक्सीजन अंदर जाएगा, रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सहेल आउट करेंगे बाय द सेम डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमाटा. क्लियर? समझ में आया? लेकिन डे टाइम में और नाइट टाइम में रेस्पिरेशन का रेट थोड़ा अलग होता है. तो एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीज का जो इन और आउट का प्रोसेस है वो थोड़ा वैरी करेगा. मींस डे टाइम में थोड़ा अलग रहता है ऑक्सीजन का इन और आउट का, और नाइट टाइम में अलग रहता है. क्लियर? मींस सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल. अच्छा, ये सुने होंगे तुम लोग कि पेरेंट्स बोलते होंगे कि डोंट सिट बिलो अ ट्री इन द इवनिंग और नाइट टाइम, बिकॉज इट गिव्स आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड देता है. क्लियर? सो सिर्फ रात को ही नहीं, ये सुबह भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है. क्लियर? लेकिन अमाउंट वैरी करता है. तो अब हम जानने वाले हैं कि डे टाइम में और नाइट टाइम में कितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा. क्लियर? ओके, सो डे टाइम में क्या करता है? डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है. ओके, इन डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. दैट मींस इट विल गिव यू लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. इन डे टाइम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड. ओके, फ्रॉम दिस ऑक्सीजन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन. क्लियर?
छोटा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अभी क्या थोड़ा सा यूज कर लिया ऑक्सीजन यहाँ से रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन अभी भी एक लार्ज अमाउंट बाकी है, समझ में आया? वो क्या किया जाएगा, वो एक्सहेल आउट कर देगा, डिफ्यूज आउट कर देगा, ताकि ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स का काम आए, समझ में आया? डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, ओके, सो इट प्रोड्यूस, द प्लांट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, फ्रॉम दिस लार्ज अमाउंट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय द प्लांट्स इटसेल्फ, वो खुद ही यूज करता है, लेकिन एक लार्ज अमाउंट अभी भी बाकी है, 20% यूज किया, 80% बाकी है, ये 80% ऑक्सीजन का प्लांट क्या करेगा, डिफ्यूज आउट कर देगा, सो हेंस आई गेट टू नो, आई कंक्लूड दैट ऑक्सीजन इज डिफ्यूज आउट, बट डे टाइम का बात कर रहा हूं, डे टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होता है, क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड के सेंस में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड किस काम आता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है, क्लियर? दिन में फोटोसिंथेसिस बहुत करना है इसको, समझ में आया? तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड इन, समझ में आया? उसको बहुत सारा ये क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या किया, वो ले लिया एयर से, तो क्या हुआ, डे टाइम में क्या हो रहा है, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड इन, समझ में आया? ऑक्सीजन क्यों डिफ्यूज आउट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों डिफ्यूज इन हो रहा है, सिंपली एक और मैं बताता हूं, सिंपल स्टेटमेंट है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करेगा इसीलिए उसको लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर लेता है, प्रूव्ड, आफ्टर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड, जिससे थोड़ा सा हिस्सा वो यूज करता है, बहुत सारा बचता है, क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, डिफ्यूज आउट, क्लियर, डन, so we have completed the daytime problem or daytime things, now we'll come to night time, रात को प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है क्या, नहीं करता, नहीं करता मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता, क्लियर, लेकिन रात को रेस्पिरेशन करेगा ना, तो ऑक्सीजन कहां से लाएगा, बाहर से लाएगा, सो रात के समय ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इन, क्लियर, इन नाइट टाइम ऑक्सीजन, नाइट टाइम प्लांट डजंट व्हाट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, सो द प्लांट हैव टू परफॉर्म रेस्पिरेशन ना, सो हाउ विल इट परफॉर्म रेस्पिरेशन, बाय टेकिंग ऑक्सीजन, खुद के पास तो नहीं है, कहां से लाएगा, बाहर से लाएगा, तो बाहर से डिफ्यूज इन होगा, क्लियर का, अच्छा, और लेकिन रात को तो तुम्हारा रेस्पिरेशन होता है, जब रेस्पिरेशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, होगा ना, लेकिन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो सकता क्या, नहीं हो सकता ना, खत्म, इसको बाहर फेंक देगा, इज डिफ्यूज्ड आउट, समझ में आया? डे टाइम में कौन सा गैस अंदर आता है, कौन सा गैस बाहर जाता है, नाइट टाइम में कौन सा अंदर आता है, कौन सा बाहर जाता है, समझ में आ रहा है? प्रोसेस समझो, तुम याद मत करो कि डेटर में क्या हो, कौन सा आगे कौन सा चला गया, प्रोसेस याद रखो कि क्या हुआ तो कौन बाहर गया, क्या हुआ तो कौन अंदर आया, क्लियर, समझ में आया? प्लांट्स का रेस्पिरेशन इतना ही है, प्लांट्स का रेस्पिरेशन और एनिमल्स का रेस्पिरेशन काफी अलग है, सो द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर क्वाइट डिफरेंट, ओके, बिकॉज इन प्लांट्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस अ क्वाइट स्लो, मीन्स रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बहुत स्लो है, लेकिन एनिमल्स जब पढ़ेंगे ना वहां हम देखेंगे बहुत फास्ट है, समझ में आया? प्लांट्स के लिए रेस्पिरेटरी गैसेस बहुत कम चाहिए, बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उनका एनर्जी डिमांड कितना है प्लांट्स का, बहुत कम, तो ऑक्सीजन भी कम ही लेंगे वो लोग, इसीलिए वो ज्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज करते हैं, लेकिन एनिमल्स देखोगे तो हमारा एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्लियर, तो हम लोग ज्यादा रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज करते हैं, समझ में आया? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में कुछ स्पेशल यूनिट होता है, कुछ स्पेशल ऑर्गन होता है, क्लियर, मतलब कोई सिंगल यूनिट ही ये काम करता है, लेकिन जब तुम देखोगे प्लांट्स में तो वहां पे क्या होता है,
रेस्पिरेशन, बहुत सारा पार्ट्स करते हैं, रूट्स करेगा, ये लीव्स करेगा, समझ में आ रहा है? दिस इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पिरेशन.